हम आपके सब्सक्राइबर है भाई। व्हाट्स एवरीबॉडी, इट्स योर बॉन्ग बॉय वी किसिंग बैक टू न्यू वीडियो माय सेक्सी गाइस। तो आज हम जाने वाले हैं एक ऐसा जगह जो बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है, बट उस जगह में किसी टाइम पे बंक करके जाया करता था, स्कूल बंक करके जाया करता था, कोचिंग बंक करे, कोचिंग एक घंटा का होता था, स्कूल लंबा लंबा चलता था, तो हम लोग स्कूल बंक करके वहीं पे जाते थे। तो मेरे को बहुत दिन से ऐसा इच्छा हो रहा था, मतलब अंदर से जाग रहा था कि मेरे को जाना चाहिए। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था, तो मैं आज सोचा कि आज क्यों ना जाऊँ, क्योंकि आज मैं खाली हूँ, घर में बैठा हुआ हूँ। तो मैं सोचा चलो आज घूम कर आते हैं कहीं से, अकेले ही, कोई नहीं जा रहा, आज आकाश नहीं जा रहा, वो अपने काम में बिज़ी है, शायद कल घर पे पूजा है इसीलिए शायद वो बिज़ी है, नहीं तो जाएगा कहीं ऐसा करने, मौज मस्ती करने में को गया। तो मैं बताऊंगा नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पे पहुँच के आप लोगों को सबको पता चल ही जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बट इतना मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत अच्छा लोकेशन, वो एक पिकनिक स्पॉट भी है, बट हम लोग पिकनिक करने नहीं जाते थे, हम लोग तो बस बंक करके ऐसी मौज मस्ती दोस्त लोग करने जाते थे। सो चलते हैं वहाँ पे। आज ऐसे भी मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था, मैं सोचा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तबीयत ख़राब था, मैं सोचा कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, लेकिन अंदर छगुना काट रहा था मेरा, इसीलिए मैं सोचा कि चले जाना चाहिए आज, इसीलिए मैं घूमने जा रहा हूँ। सो अब क्या ज़्यादा बकना ही कुछ नहीं है, सीधा जाना है वहाँ पे जाकर मौज करते हैं। गाइस हम अभी आ गए हैं टिकियापाड़ा से, मेरे को यहाँ पे ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, कुछ आधा घंटा 45 मिनट लगता है यहाँ से जाने में। तो पहले टिकट काटेंगे तभी ना जाएंगे, बिना टिकट का फ़कीरों को भी टिकट लगता है यहाँ पे, तो मैं नंबर वन फ़कीर हूँ, तो मेरे को भी पैसा यहाँ पे देकर पे करके उसके बाद जाना पड़ेगा। काउंटर खुला है कि नहीं, फिर यहाँ से रिटर्न जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को नहीं, खुला है। तो पहले टिकट काटते हैं। गाइस मैं टिकट तो काट लिया, अभी मेरे को यहाँ से जाना था, देखो अगले दिन जैसे हम लोग गए थे, जो आकाश के साथ हम लोग गए थे, जब यहाँ से हम लोग गए थे, बट वो इस प्लेटफॉर्म के लिए पहले हम लोग यहाँ से चढ़ के वहाँ से रोड, मतलब रोड नहीं था वो, जो भी रेल लाइन को हम लोग क्रॉस करके उस तरफ से हम लोग चले जाते थे। बट इस क्या पता अभी क्या नया रूल कर दिया, बोला है कि यहाँ से पूरा घूम के जाओ, अब यहाँ से पूरा घूम के जाना पड़ेगा। उधर जाऊँगा बस, उधर से खड़ा होकर फिर वहाँ से बोलूँगा, वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ से शुरू करते हैं। गाइस मैं अभी दूसरे प्लेटफॉर्म में आ गया जहाँ से मेरे को जाना है, और मैं अभी मास्क इसलिए पहन लिया हूँ क्योंकि नीचे सब आरपीए खड़े थे, तो मैंने मास्क पहन लिया। अभी तक तो आया नहीं है ट्रेन, अब देखते हैं कब आता है, नसीब अच्छा रहा तो जल्दी आएगा, लेकिन स्टेशन बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहा है, क्या होगा नहीं होगा। चलते हैं, मिलते हैं ट्रेन में। गाइस अभी हम चढ़ गए हैं ट्रेन में, अब यहाँ से तो ट्रेन में चढ़ के हम ट्रेन से उतर के मिलते हैं, क्योंकि ट्रेन में रिक्सी है, बहुत ज़्यादा साइड में खड़ा हूँ, कहीं गिर भी गया तो बस फिर बेकार हो जाएगा। तो मिलते हैं तो इसके नेक्स्ट स्टेशन पे। गाइस अभी हम लोग उतर गए हैं ट्रेन से, अब हम लोग जाने वाले हैं, हाँ इधर से जाने का कहाँ रास्ता है मेरे को तो कुछ पता नहीं है, मैं आप लोग अभी रिवील नहीं करूँगा कि मैं कहाँ आया हूँ। आप लोग अब तक अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं बाद में रिवील करूँगा मैं कहाँ आया हूँ। पहले यहाँ से ढूंढना पड़ेगा, मैं भूल गया हूँ किस तरफ जाने का रास्ता है, यहाँ से किस तरफ कैसे जाया जाता है। गाइस अभी मैं एक लोगों को पूछा, एक जन मेरे को बताया कि इधर से जाने का रास्ता है, तो अभी चलते हैं, पहले देख ले सीढ़ी है, सीढ़ी में पड़ चल करें, यहाँ से पहले वहाँ चलते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को लोकेशन दिखाता हूँ कितना मस्त है, क्या है। तो आप लोग बताओगे कि अच्छा है कि बुरा है, मस्त है कि गजब, क्या नेक्स्ट लेवल का है। तो पहले चलते हैं इसके अंदर, मिल गया स्पॉट, यही जगह पर पहले हम लोग आते थे बंक करके, यहाँ पर पीछे वाला जो रास्ता है, तो चलते हैं पहले वहाँ पे जाते हैं, सब मिलते हैं। गाइस बहुत ज़्यादा पूछने के बाद मेरे को पता चला कि यहाँ से जाने का रास्ता, पहले हम लोग जब आते थे तो वहाँ से हम लोग जाते थे, बट अभी रास्ता चेंज हो गया है, मेरे को कुछ पता नहीं है। इतना साल जब मैं 10th में पढ़ता था तब आता था 10th से, अभी आजकल कुछ 5-6 साल हो गया, 5-6 साल बाद कहीं पे आ रहा हूँ, तो कैसे मेरे को लोकेशन उतना खास मालूम होगा। बोल रहा है कि यहाँ से अभी 10 मिनट चलना पड़ेगा, 10 मिनट चलना पड़ेगा यहाँ से। कहाँ गए थे हम लोग, कहाँ गए थे, अभी भी आप लोगों को मन में शंका है तो बजाओ मत, कमेंट में लिखो मैं कहाँ आया हूँ, मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा, पहले मैं लोकेशन में पहुँच जाऊँ उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँ, नहीं तो अभी बता दिया तो शायद वीडियो स्किप कर दोगे। मैं स्किप करने तो दूंगा नहीं ना, व्यूज़ चाहिए। तो अभी सामने हम लोग को जाना पड़ेगा, बहुत चलना पड़ेगा, तकरीबन 10 मिनट मेरे लिए वही बहुत है। स्कूल के टाइम में आता था तो दोस्तों के साथ आता था, आज मैं आप लोगों के साथ आया हूँ ना, तो अभी शायद हम लोग को टाइम बहुत ज़्यादा ही जल्दी कट जाए, हो सके तो इस शाम को अगर आप लोग आ रहे हो तो दोस्त फ्रेंड्स लोग के साथ आओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, गर्लफ्रेंड या कपल्स मत आओ बस, क्योंकि ये शाम हो जाने के बाद नहीं ये जगह बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, जहाँ तक मेरे को पता है कि किसी टाइम में आता था यहाँ पे तो सुबह 5 बजे के टाइम जब हम लोग यहाँ से जाते थे तभी बहुत ज़्यादा शाम के
ठंडे के टाइम में आते ना तो उस टाइम हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब समझ आता था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो यार किसी को अगर कपल आ रहे हो तो मत आओ, कपल आ रहे हो तो आने का टाइम अगर शाम अगर सुबह को आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पे शाम होने मत दो, शाम अगर होने दोगे तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो सो मैं ये ठीक है सो थैंक यू। सो फिर भी मेरे को फिर से पूछना पड़ा रास्ता, भूल जा रहा हूँ मैं कहाँ हूँ नहीं हूँ। अबे अननोन पर अननोन जगह पे आया हूँ, मैं अकेला आया हूँ, सो क्या करूँ, कोई जज करने वाला या बताने वाला नहीं है। संडे का टाइम आओगे ना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक गंगा के सामने बैठकर पूरा गंगा का व्यू देखना, उसके ऊपर से शिप जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। यहाँ पे आओगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब बोले तो फाड़ू टाइप, एकदम नेक्स्ट लेवल मस्ती मिलेगा दोस्तों के साथ आओगे तो। अरे गर्लफ्रेंड लोग के साथ, या गर्लफ्रेंड लोग नहीं इंसान गर्लफ्रेंड एक ही बनाता है, सच्चा लवर मेरे जैसा तो वो सो एक ही बनाता है। तो अगर गर्लफ्रेंड के साथ आ रहे हो तो हाँ अच्छा लगेगा, बट थोड़ा बोर हो जाओगे। एक ही बात पे कितना तुम बात करोगे, अगर दोस्त फ्रेंड्स के साथ आओगे बहुत मज़ा आएगा, बहुत एकदम फाड़ू मस्ती आएगा। अब मेरे को पता नहीं, अब यहाँ से शायद टर्निंग मारना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। तो मेरे को फिर रास्ता पूछना पड़ा है, मेरे के यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा स्टेट है ना, तो स्टेट तो मेरे को पता नहीं चल रहा कि कितना दूर जाना कितना दूर नहीं जाना। पहले हम लोग आते थे वो रास्ते से, तब हम लोग के साथ फ्रेंड होता था, बट ये रास्ता भी चेंज हो गया और मैं अकेला भी आया हूँ, कोई फ्रेंड भी नहीं है। और जो आते थे वो लोग एकदम कंटाप नेक्स्ट लेवल के, बोले उसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट लेवल का स्कूल बंक करने वाला, नंबर वन मास्टर स्कूल बंक करने वाला, कहीं ना कहीं रोज़ कहीं ना कहीं नया नया लोकेशन, मतलब बोले तो मैं स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा मस्ती किया हूँ, इसीलिए लास्ट बेंचर रहा हूँ हर साल। मैं टेंथ में कैसे पास किया, ट्वेल्थ में कैसे पास किया, वो मेरे को भी पता नहीं है। पढ़ाई का स्कोर था एनी टाइम जीरो। मैं कभी भी, अरे ऐसे क्या देख के जा रहा है यार, एलियन थोड़ी ना हूँ, बाहर देश से थोड़ी ना आया हूँ। सो मेरे को कम्फर्टेबल है, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, कोई मेरे को देखता है नहीं देखता है। सो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरे को कोई देखता है, गालियाँ पड़ता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे वीडियोज़ पे, कुछ वीडियोज़ पे दो यार, एक वीडियो में एक डिसलाइक पड़ा है, दोनों वीडियो में एक एक डिसलाइक पड़ा है। जो भी डिसलाइक किया यार, कसम से बहुत अच्छा लगा तुम्हारा डिसलाइक देखकर, बहुत मज़ा आया हमको। ऐसे ही तुम डिसलाइक करते रहो यार, कोई वीडियो पे डिसलाइक करो, गंदा कमेंट करो, मेरे को और ज़्यादा अच्छा लगेगा। कंटिन्यू करते रहो ऐसे डिसलाइक करो, मेरे वीडियोज़ को और ज़्यादा इज्जत मिलेगा तुम डिसलाइक करोगे तो। जो भी मेरा वीडियो डिसलाइक किया हो, अगर तुम देख रहे हो, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो डिसलाइक करने के लिए, तुम नंबर वन हेटर हो मेरे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तुम्हें देखकर। तुम मेरा हर वीडियो डिसलाइक किया करो, क्यों एक दो वीडियो छोड़ एक दो करके फिर छोड़ देते हो, हर वीडियो को डिसलाइक किया करो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे वीडियोस को एकदम नंबर वन डिसलाइक किया करो यार, तुम्हारे से ही चल रहा है मेरा, ठीक है। पीछे का बैकग्राउंड इग्नोर करना, क्योंकि मैं थोड़ा शहर से, बोले तो उसको क्या बोलते, शहर जैसा ये नहीं है ना, थोड़ा विलेज साइड है, इसीलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट क्या, हम भी यहाँ पे ऐसे अच्छा लगता है ये सब लोकेशन, शांत लोकेशन मेरे को ज़्यादा पसंद है। थोड़ा और स्ट्रेट जाना है, उसके बाद देखते हैं कहाँ पे जाकर हमको राइट टर्न लेना है। सो वहीं मिलते हैं। सो गाइस, अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ से राइट टर्न लेने को बोला मेरे को, राइट टर्न लिया। अब मेरे को ये लोकेशन थोड़ा बहुत पहचाना लग रहा, क्योंकि मैं उस साइड से आता था ना, तो उस साइड से भी ऐसे पेड़ वगैरह थे, तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से, हाँ पहचान गया मैं किधर से है। ये लोकेशन देख लो, अच्छा है, यहाँ से आप लोग पूरा अच्छा सा गंगा जी एकदम पूरा बहुत मस्त व्यू। यहाँ पे जो प्लेस है आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये प्लेस पे आपको एक बहुत सॉलिड पिकनिक प्लेस है, क्योंकि लिए थोड़ा ख़तरनाक प्लेस है, अच्छा नहीं है ये जगह पे, थोड़ा मेरे को अनकम्फर्टेबल लगा, इसीलिए मैं आप लोगों को बोला। यहाँ पे बहुत जन ऐसे, यहाँ पे बहुत लोग ही दिखाई दे रहे हैं मेरे को। सो स्पॉट तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अब थोड़ा घुसते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं कि क्या है। नहीं है, बहुत अच्छा प्लेस है। हाँ मैं पहले यहाँ पे आता था स्कूल कट करके, अभी शायद आई थिंक अभी स्पॉट बहुत चेंज हो गया है यहाँ पे, पहले ये सब कुछ था नहीं, बट अभी हो गया है। सो पहले भाई हम आपके सब्सक्राइबर है भाई, नहीं न्यू चैनल है अभी, क्या बात कर रहे हैं, न्यू चैनल है। क्या नाम है आपके चैनल का? विक्की स्टार सेवन VICKY स्टार सेवन। हेलो फ्रेंड, तो भाई का चैनल जाके सब्सक्राइब करो जल्दी से, बेल आइकन भी प्रेस कर देना और जाके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ये भाई अभी अभी नया यूट्यूब पे आया है, यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे, तो भाई को सपोर्ट करो यार, बहुत ही अच्छा ब्लॉग बनाता है, जाके एक बार विजिट करो,
चैनल में, उसके बाद कमेंट करके बताना क्या इम्प्रूव करना होगा नहीं करना होगा। भाई का नया चैनल है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है मेरा भाई, अगर ब्लॉग देखना है तो अच्छा अच्छा ब्लॉग लाता है मेरा भाई। थैंक यू सो मच, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है तो आप बोल सकते हो, इसके कहने पे स्मार्टली जाके सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ठीक है। वो गाइस थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि वो भाई जो मिल गया था वो भाई से थोड़ा सा बात करने में थोड़ा सा लेट हो गया, बट आप लोग देख पा रहे हो पीछे का जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं जब 5 साल पहले यहाँ पे आया था तब ये सब बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं बना था, बट अभी बाउंड्री वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया है। मतलब आप पहले हम लोग जब आते तो पूरा मिट्टी मिट्टी था यहाँ पे, बोले तो अगर तालाब के अगर तालाब नहीं सारे सारी गंगा के सामने आप अगर आप जाओगे तो मतलब पानी में स्लिप कर जाओगे, बट यहाँ पे जो बना दिया है बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे पिकनिक स्पॉट बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया है, पहले अच्छा उतना भी खास नहीं था लेकिन अभी बहुत ज़्यादा अच्छा। तो आप लोग अगर दोस्तों के साथ आते हो तो सुबह के टाइम में आओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और दोस्तों के साथ तो शाम को ही ज़्यादा मज़ा आता है। अगर कपल आ रहे हो तो सुबह के टाइम में आओ, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। गंगा के सामने या गाछ के नीचे बैठकर मीठी मीठी बातें करोगे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और दोस्तों के साथ आओगे तो मीठी मीठी बात नहीं होता, वहाँ पे गाली गलौज और नशे चलते हैं ज़्यादातर अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ। सो अगर आप लोगों को ये प्लेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, देखो वो जो प्लेस है ना मेरे को ऐसा देख के लग रहा है कि दीघा बीच पे जो अगर गया होगा, दीघा बीच के जैसा जो नहीं होता बीच में, बीच के पास आपका कोई स्टोर होता है तो वैसा स्टोर जैसा बना हुआ, देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने दीघा बीच के जैसे अभी कुछ लोकेशन आप लोगों को मिल गया। चलो सामने से मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। दिखाना था मेरा दिखा दिया मैंने, अब लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को यहाँ पे आना होगा तो मैं अभी भी आप लोगों को लोकेशन रिवील नहीं किया, तो मैं अभी बता रहा हूँ, जो लोग मेरा दोस्त लोग हैं वो लोगों को तो पता चल गया होगा मैं अभी कहाँ पे आया हूँ, कभी नहीं मैं अभी कहाँ पे आया हूँ। तो ये लोकेशन है फुलेसर, अगर आप लोगों को कोई अगर पिकनिक स्पॉट अगर ढूंढ रहे हो तो ये पिकनिक स्पॉट बहुत ज़्यादा अच्छा है। पहले जब मैं 3-4-5 साल पहले आया था तब ये इतना भी कुछ ज़्यादा ये लगा नहीं था यहाँ पे, बट अभी बहुत ज़्यादा घेर दिया गया है ये जगह को, रेलिंग वेलिंग बना दिया गया, बहुत ज़्यादा अच्छा जगह लग रहा है। पुलिसर बहुत ज़्यादा अच्छा जगह है, आप लोग चाहो तो यहाँ पे आ सकते हो, अगर ना अच्छा लगे तो कोई और लोकेशन जाना। और मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे को ये जगह अच्छा लगता है क्योंकि मैंने स्कूल डेज पे बंक करके यहाँ पे आता था, इसीलिए मेरे को ये लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो कुछ मेमोरीज है यहाँ पे, इसीलिए मैं आया। तो गाइस मैं अभी आ गया हूँ फुलेसर का स्टेशन में, यहाँ से मैं अब घर जाऊँगा, तो ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। मेरे को पता है ब्लॉग उतना इंटरेस्टिंग नहीं था, और मैं सोचा कि मैं जब जा रहा हूँ घूमने के लिए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं बंक करके जितना ख़राब स्टूडेंट था, इतना ख़राब स्टूडेंट तो मैं बंक करके यहाँ पे आता था। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये प्लेस, पहले से बहुत ज़्यादा ही अच्छा बना दिया गया, पहले तो कुछ भी नहीं था, वो पाचिल वगैरह जो लगाया है जो रेलिंग वगैरह वो सब कुछ भी नहीं था, पहले पूरा खुला था, अभी बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया, एकदम पूरा प्रॉपर पिकनिक स्पॉट के जैसा कर दिया। अगर आप लोगों को ये जगह बहुत पसंद आया होगा, बहुत क्या अच्छा लगा होगा, तो यहाँ पे आकर पिकनिक कर सकते हो। तो यहाँ पे करता हूँ मैं ब्लॉग एंड, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, भाई से अगर मोबाइल देखो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।